राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, भाइयों बहनों बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। साल में एक बार आपके इस केंद्र पर ये अवसर आपको मिलता है। यूं तो सत्संग होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो लोग नहीं जा पाते किसी भी कारण से, कोई भी मजबूरी के कारण, उनके लिए विशेष रूप से इस बात का ख्याल रख के अलग अलग सत्संग केंद्रों पे हम सत्संग का प्रबंध करते हैं, ताकि सत्संगियों को उनके घर के पास नज़दीक ही बिना तकलीफ़ उठाए सत्संग मिलता रहे। क्योंकि काफ़ी कारण होते हैं, कोई शरीर के कारण, कोई घर की मजबूरी के कारण, कोई जिम्मेवारी के कारण, या कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं आदमी नहीं लाभ उठा सकता। तो उन लोगों के लिए जब पास में सत्संग होता है तो उनको ये अवसर प्राप्त हो जाता है। आज का दिन भी बहुत महत्व का दिन है। आज गणेश चतुर्थी है। हमारे यहाँ तो इतना नहीं जानते, लेकिन महाराष्ट्र साइड में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। जैसे यहाँ पे अपने राजस्थान में बालाजी की पूजा ज़्यादा करते हैं, हनुमान जी की, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बप्पा मौर्य गणेश जी की पूजा होती है। और आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का बड़ा महत्व है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, दुखों को हरने वाले, पापों का नाश करने वाले, शक्ति देने वाले, आदमी जो भी उनको सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, याद करता है, उनको पूजा करता है, उनके सभी कार्य गणेश जी करते हैं। आज के दिन व्रत रखती हैं, ज़्यादा है, आदमी तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन माता बहन गणेश जी के व्रत रख के मांग करते हैं उनसे कि घर में सुख शांति रहे, बच्चों की, पति की उम्र लंबी हो, लक्ष्मी जी का घर में वास हो, सब बुराइयां छूटें, शांति रहे। तो जब इंसान देवताओं की या जो भी हमारे पूज्य बीते दिनों में महान विभूतियां हुई हैं, चाहे वो संत रूप में, महात्मा रूप में, या देवताओं के रूप में, या ब्रह्म के अवतार लेके आए उनके रूप में, तो आज भी उनको हम याद करके अपने इन कष्टों से, दुखों से निवारण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस युग में ज़्यादा संतों की लाइन, संतों का काम समाज सुधार का है। समाज में जब कुरीतियां फैल जाती हैं, जब आडंबर बढ़ जाते हैं, जब पाखंडवाद बढ़ जाता है, लोगों के दिलों में भ्रम बन जाते हैं, प्रभु भक्ति को छोड़ के लोग काल और माया के रचित जो प्रपंच है उनमें फंस जाते हैं, तो संत उनसे निकाल के उन जीवों के हित और कल्याण के लिए प्रकट होते हैं। जैसे अब देखते हैं हम
यहाँ तो आज मुझे देख के इस बात की बहुत खुशी है कि कितने नौजवान बच्चे जब भी यहाँ का सत्संग होता है, रूपावास का कहो, यहाँ भादरा का कहो या राजगढ़ का कहो, इसमें जो संगत आती है, लोगों का प्यार और श्रद्धा और इनका विश्वास जब देखता हूँ तो मुझे एक अलग ही प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। नौजवान बच्चे देखता हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कितना प्यार करती हैं नौजवान बच्चे हैं। दूसरी काफ़ी जगह ऐसी हैं जो पंजाब का इलाका पाकिस्तान से लगता हुआ है, दुख के साथ कहना पड़ता है, नशे की प्रवृत्ति वहाँ से इतनी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है कि अपने आपके ही थोड़ी दूरी पर पता नहीं नशों का नाम भी याद नहीं है क्या क्या है, वो बर्बाद करने लग रही है हमारी आने वाली पीढ़ी को। जिनको उसकी लत पड़ जाती है छूटती नहीं है, घर बर्बाद, परिवार बर्बाद, धन बर्बाद, जिंदगी बर्बाद, मानसिक शांति इंसान की ख़त्म। इंसान जिसको परमात्मा के बाद में दूसरा दर्जा दिया गया है, ऐसा रूप किसी भी जीव को नहीं है। 84 लाख योनि में जो शक्ति, जो विचार, जो विवेक, जो बुद्धि, जो ज्ञान इंसान रूपी प्राणी को जो दिया गया है वो किसी में भी नहीं है। परंतु ऐसी चीज़ों में पढ़ के जब ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं तो इनका ये इंसान का रूप धरना बेकार चला जाता है। ये मिला इसलिए नहीं था, मिला तो इसलिए था कि जो काल ने प्रपंच रचा 84 लाख योनि का, जिसमें जीव कैदी की तरह से बांध दिए लाके, और फिर माया ने ऐसे पाखंड रच दिए जिसके कारण ये निकलना इसके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन संत जब आते हैं तो उन चीज़ों को पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाते हैं, उसके बाद उसको सामाजिक और पारिवारिक रूप से सच्चा, ईमानदार, धार्मिक और भक्ति के रास्ते पे चलने के लायक बनाते हैं। बुराइयां सब छूटती चली जाती हैं, अच्छे गुण उसमें आते चले जाते हैं। तो जिन चीज़ों का गुणगान करते हो कि खोटे कर्म करने वालों को नरक में जाना पड़ता है, नेक काम और भक्ति करने वाले कहो या दान पुण्य करने वाले कहो या परहित पर उपकार दूसरे जीवों पर जो दया करते हैं उनका कहो कि वो स्वर्ग और बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। लेकिन वो चीज़ तो बाहर कहीं नहीं है, ये स्वर्ग और नरक तो आप यहीं देख लोगे। जो इंसान पाप कर्मों में फंस जाता है, बुरे काम करता है, उसके लिए नरक है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान करके देखोगे आज जितनी भी घटनाएं होती हैं उसका कारण नशा ही होता है, जो बुद्धि को खराब करता है। सड़क पे चलते हुए सुनते हैं, देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया बाइक सवार का, पोस्टमार्टम करवाया गया, देखा गया तो डॉक्टरों ने लिख दिया कि नशा किए हुए था। क्यों? नशा कर लेते हैं, होश नहीं रहता। नादान उम्र के बच्चों को देखते हैं जिसकी उम्र अभी जवानी में प्रवेश नहीं किया है, किसी दूसरे आदमी को चाकू मार देता है, गोली मार देता है वो, या चोरी कर लेता है, मोटरसाइकिल कार उठा लेता है, और जब उससे पूछते हैं किस लिए ऐसा किया कि मुझे नशे की लत थी, उसके पैसे नहीं मिलते थे और इसलिए मैंने वो करने के लिए ऐसा किया, उसमें भी नशा मिलता है। कोई बड़ी गाड़ी, ट्रक या बस का दुर्घटना, एक्सीडेंट होती है, कितने लोगों का नाश कर देते हैं, जब उनको भी ड्राइवरों को
पूछा जाता है और जब उनकी मेडिकल किया जाता है तो उनको भी पाया जाता है कि वो नशे में ही होते हैं, चाहे वो नशा कोई भी। ये नशा इस प्रकार से इंसानियत को बर्बाद करता है। ये एक बुराई है, छोटी सी बुराई, जो लगते हुए तो देर नहीं लगती, धीरे धीरे करके इंसान, क्योंकि देखते होगे कोई भी नशा अच्छा है ही नहीं। शराब पियोगे कड़वी है, सुल्फा गांजा पियोगे अच्छा नहीं, जब धुआं अंदर लेके जाते हो खांसी आती है, कफ हो जाता है, बलगम हो जाता है, सांस नहीं आता कई बार, लेकिन फिर भी उस गंदगी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उसकी दूसरी ओर अगर देखोगे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, उनका सेवन नहीं करते, जिसके कारण इंसान स्वस्थ, सुंदर, निरोग, बुद्धिमान और दयावान, हर प्रकार से जिनको ग्रहण करके उसके विचार ख्यालात भी ऊंचे, सच्चे और अच्छे बनते हैं, उन चीज़ों का सेवन ना करके उन बुराई की ओर बढ़ता चला जाता है। तो स्वर्ग नरक देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आदमी जो बुराइयों में पड़ा हुआ है, उनकी शक्ल देखने से ही पता लग जाएगा। गंदी नालियों में पड़े रहते हैं, कपड़े उनके मैले होते हैं, नहाना धोना उनका नहीं होता है, खाना पीना उनका नहीं होता है, गंदी जगह बैठना, गंदी जगह उठना, गंदी चीज़ों का सेवन करना, गंदी जबान बोलना, गंदे विचार रखना, चोर वो, झूठे वो, कपटी वो, अरे सभी तो दुर्गुण इस बीमारी के कारण आते हैं। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा पुण्य का काम क्या है कि अपने साथी, घर परिवार में अगर ऐसे किसी इंसान को, किसी बच्चे को देखते हो तो आप और सारी प्रभु की भक्ति बेशक ना करो, लेकिन उसको उस बुराई से जो निकाल देगा, मैं दावा करता हूँ, गारंटी करता हूँ, परमात्मा उसको उसकी बुराई छुटाने से ही बहुत कुछ परमात्मा दान कर देगा, उसको इतनी शांति सुख देगा उसके बदले में कि वो निहाल हो जाएगा, मालोमाल हो जाएगा। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है आज के युग में। नाम की ओर तो बहुत देर से चलना पड़ता है, क्योंकि इंसान उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करता। हम बिना बात की इच्छाएं पाड़ लेते हैं। इच्छा बहुत बुरी चीज है, कहने के लिए कह देते हैं काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है। मैं कहता हूं अरे इच्छा बहुत बुरी है। अगर इच्छा तुमने कोई भी मन में बना ली है, वो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती है, क्रोध आएगा। क्रोध आने से आदमी सभी गलतियां करता है। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो तुम्हारा लोभ बढ़ जाएगा, उस ओर चलते चले जाओगे। इसलिए बिना मतलब की इच्छाएं अपने मन में ना पाड़ो। उस मालिक पे यकीन और विश्वास रखो कि जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हारा लालन पालन भी करेगा, लेकिन तुम्हें जो स्वतंत्रता उसने दी है अच्छा जीवन जीने की, अच्छे काम करने की, वो किसी को मना नहीं करता है। परमात्मा ने छूट कर दी, करो कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी है करिए, लेकिन परिणाम जब होगे, जब परमात्मा को दोष नहीं देना। क्यों? परमात्मा ने तो आपको कहा नहीं कि ये बुरे काम हैं ना कर या इसको छोड़ दे। वो ये भी नहीं कहते नेक काम है तू कर, वो नहीं कहता। वो तो देखता है, तुम्हारा देखता है लेकिन लिखता भी रहता है। उसके हाथ में जो कलम है, किताब है, वो दूसरे को दिखाई नहीं देती। तुमने नज़र भी थोड़ी उठाई तो भी उसने सब कुछ नोट कर लिया, सब कुछ लिख लिया है। उसकी तेज नज़र है, लाखों आँख थक जाती हैं, लेकिन वो करोड़ों, अरबों, खरबों की दृष्टि है, सबको एक ही पल में देख लेता है। इंसान इंसान से तो बच जाएगा, उसकी नज़रों से तो बचा लेगा, लेकिन जो लिखने वाला है उसकी नज़र से नहीं बच सकता। इसलिए सबसे बड़ी और पहली ज़रूरत की बात है, इंसान नेक काम करे, ये करनी है। करनी जो अच्छी नहीं करता है, ये करनी जब अच्छी करनी सीख जाओगे या करनी करने लग जाओगे, तब कहीं आप भक्ति के लायक बनोगे, लायक बनोगे उसके। ये बहुत बुरी दलदल है जिसमें से निकलना पहले जरूरी है, आगे की बात तो बाद में सोचनी पड़ेगी। अब तो युग संतों का है, जो मन में आया चलो के देखा देखी,
हम भी चलते हैं गुरु के पास, नाम ले लें, नाम कोई पंसारी की दुकान की पुड़िया नहीं, लेकिन संत दया कर देते हैं, जैसे कही के पड़ा रहे धनी के द्वार, तेरी बणत बणत बन जाई। अरे सतगुरु के द्वार पे पड़ने का मतलब ये है कि आदमी में भला बुरा वक्त आता है, मन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, कभी ये खुश होता है तो कभी नाराज होता है, कभी कष्ट होता है तो कभी इसको आनंद मिलता है, कभी कुछ करने की सोचता है तो कभी कुछ करने की सोचता है। लेकिन एक गुरु का द्वार ऐसा है कि जिसमें अगर तुम्हारे साथ भली बुरी जैसी भी बीतती है, लेकिन अपने श्रद्धा को ना डगमगाने दें, अपने यकीन को ना खो, अपने विश्वास और धैर्य बना के जब टिके रहोगे। महाराज जी फरमाया करते कि टिके रहो टिके रहो, टिके के लाखों मोल डिगे की कोडी ने, टिके रहो मत हो डामाडोल। डामाडोल की कोडी नहीं होती, टिके के लाखों मोल बन जाते हैं। शिष्य का भाव तो गुरु के प्रति ऐसा होना चाहिए जैसे कबीर साहब ने कहा, कुत्ते की तरह से। शिष्य कुकर गुरु का मोतियाबा का नाम, प्रेम डोर से बंद राजजीत की तिरछित जाऊं। मतलब क्या है इसका कि गुरु जो तुम्हें पढ़ाता है, गुरु तुम्हें सिखाता है, गुरु जो उपदेश शिक्षा देता है, उसको अपने हृदय में रखिए। ये गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति को नहीं समझ सकता, नहीं जानता, वो प्रेम भक्ति प्रभु भक्ति में कदम नहीं रख सकता। गुरु भक्ति गुरु को अपनी पूजा कराने से मतलब नहीं है। क्या करना पूजा करा के? हम तो कहते हैं अहम भाव रखना ही नहीं किसी का भी, सबको समान मानते हैं। कीड़ी में भी वो जीव है, हस्ती में भी वो प्राणी है, वो भी वैसा ही प्राणी है जैसे हम हैं। सब में उस मालिक का जहूर है, सब में उसको देखो, सब में पाओगे। लेकिन दया भाव दिल में होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, यकीन और श्रद्धा होनी चाहिए। तो वो जो कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बात कही कि शिष्य का अगर शिक्षा लेनी हो तो कुकर से लेनी, कुत्ते से लेनी चाहिए। अगर कोई इंसान कुत्ता पाल लेता है तो वो उसके पीछे पीछे रहता है, जहाँ उसको ले जाता है उसका धनी उसके पीछे पीछे चला जाता है, उसको अगर वापिस आता है तो वापिस आता है। इसलिए कही कि शिष्य उस कुकर गुरु का मोतियावा का नाम, कुत्ते को मोती रख लेते हैं ना कई बार नाम, जिस तरह नौकर का रामू रख लेते हैं, छोटे बच्चे का पप्पू रख लेते हैं एक ही नाम, तो कुत्ते को मोती कहते हैं। कबीर साहब के टाइम में कहते हैं, कबीर साहब ने कही कि शिष्य कुत्ता कुकर गुरु का और मोतिया वाह का नाम, प्रेम डोर से बंद राजजीत खींचते चित जाओ। तो दूर दूर करे तो बाहर है और तू तू करे तो आओ, कि धमका दे तो बार बाज जा और तू तू करे तो बाज के फिर आ जा पूंजड़ी इलाके ने। शिष्य के लिए बोला है कि शिष्य में ऐसा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति कि गुरु जब तुम्हें प्यार से कहता है आओ तो आओ, गुरु जब तुम्हें समझो कोई कटु वचन कहता है तो भाग जाओ, दूर भाग जाओ, लेकिन मन में किसी प्रकार का मलाल ना लाओ, क्योंकि गुरु जानता है कि शिष्य के खोटे कर्मों को, पाप कर्मों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। समझ गए? शिष्य को नहीं पता। अब छोटा बच्चा है, उसको अगर फोड़ा हो जाता है और उसकी माँ डॉक्टर के पास लेके जाती है और डॉक्टर चीरा लगाता है, उसकी माँ कह देगी ना ना मेरे बच्चे को चीरा नहीं लगाएगा, तो आराम नहीं होगा ना उसको। लेकिन डॉक्टर जानता है जब तक चीरा लगा के इसमें जो गंदगी फैली हुई है उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ठीक नहीं होगा, लेकिन माँ उसको लगवा लेती है, उसको पता है। इस प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य में देखता है कि इसमें ये कमी आ गई है और उस कमी को दूर करने के लिए उसको कभी कटु वचन बोलता है तो कभी उसको सख्ती से पेश भी आना पड़ता है। लेकिन शिष्य जो पक्का होता है वो सोच लेता है कि गुरु ने मेरा बड़ा हित किया है, गुरु ने मेरा बड़ा हित किया है, मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। लेकिन शिष्य तो होते नहीं। जैसे महात्मा जी आए बैठे हैं, याद आ गई मुझे छोटी बात, नानक साहब का सत्संग था उसमें आगे
दुनियादारी की चीज़ों के लालची स्वार्थी लोग बहुत हैं। कोई रोजी रोजगार के लिए आता है, कोई संतान के लिए आता है, तो कोई सुख शांति के लिए आता है, कोई रोग बीमारी की निवृत्ति के लिए आता है। भाई ज़रूरत है, आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जाएगा, मैं ये नहीं कहता ना जाओ, लेकिन जाओ तो कम से कम उन बातों को मान लो। सब रोगों की दवाई हम देने लग रहे हैं कि तुम जो प्रभु की भक्ति किया करो, जो सब चीज़ों का भंडार है उसको जब याद करोगे, तुम्हारे दुख दर्द भी दूर करेगा, तुम्हें नौकरी रोजगार भी देगा, तुम्हें जो कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, उससे भी निजात दिलाएगा, आराम देगा। उसको याद क्यों नहीं करते? सभी काम आप करते हो, एक भी नहीं छोड़ते, लेकिन स्वार्थ होता वहाँ तो भागे जाते हैं। लेकिन और जहाँ तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं होता वहाँ से मुख मोड़ लेते हो, रूखे सूखे बन जाते हो। तो इन महात्मा जी की तरह से बैठे थे, संगत आपकी तरह से आई हुई थी। नानक साहब के टाइम की बात है, सत्संग समाप्ति के बाद में कहने लगे महात्मा जी नानक साहब से कि नानक साहब आपकी तो बहुत लोग बड़े प्यारे हैं, कितने सेवक हैं। बोले अरे सेवक कहाँ, सेवक तो थोड़े बहुत ही होंगे। बोला नहीं जी, देखो कितना प्यार विश्वास है, इतनी श्रद्धा से ही तो लोग बैठते हैं, और कौन आता है कहाँ, बुलाने से भी नहीं आते। और देखो अपने आप आए हैं, कितने शांति से बैठ के सत्संग सुनते हैं ये। बोले चलो भाई देखते हैं। शाम के टाइम सत्संग की छुट्टी करके बोला चलो भाई घूमने चलेंगे। शिष्यों को लेके और चले गए, नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे जाने से पहले रास्ते में देखा कि रास्ते में पैसे का उनकी लीला रचती संतों की, पैसे बखेर दिए, कहीं रुपया कहीं दिल्ली कहीं अठन्नी कहीं चौवन्नी। लोगों ने देखा फटाफट लग गए चुगने, कुछ लोग तो वहां रह गए। उससे थोड़े आगे गए, थोड़े लोग रह गए। वहां पर उन्होंने मोहर असर फिर ये डाल दी, देखिए एक मिली दो मिली, जो थे उनमें से आधे वहां रह गए। आगे चले थोड़ी दूर के बाद में फिर हीरे और जवाहरात रास्ते में चमकते हुए दिखाई दिए। जब ये चीज़ें दुनियादारों को दिखाई देती हैं, कौन कहेंगे रे क्या घूमना होगा, यहीं हो गया सब कुछ, अपने मालो माल कर दिए। गुरु की लीला है, अपने को इसीलिए ले आए थे कि हमें जो है कहीं हीरे जवाहरात देंगे, कहीं जो है मोहर सेल्फी मिलेंगी, भर लो जेबें, भर ली लेके। और वहाँ से बोले कि अब कहाँ जाएंगे घूमने, चलो घर चलते हैं। वो तो निकल गए, पाँच दस साथ में रहे नानक साहब के। देखा मुड़ के बोला रहे बाकी, बोला जी बाकी तो जा चुके सारे, कि मैं दस बीस जो उनके साथ में बचे थे। कहने लगे अच्छा, नदी में देखा एक तैरती हुई मुर्दा जैसे है, ऐसी चीज़ नजर आई। कहने लगे जाओ भाई, इसको कौन निकाल के लाएगा। अब सारे, बड़ा तेज बहाव था पानी का, पानी को देख के कोई कहने लगे जी मेरे तो बच्चे छोटे हैं, कभी मैं बह जाऊं कौन संभालेगा। कोई बोला जी मुझे तो जुकाम की रही है कि ठंडा पानी है, मैं कभी और बुखार ये हो जाए। किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना, सब बहाने लगा लगू के और पीछे हट गए। एक लैणा जी थे, लैणा जी जिनको अंगद साहब कहते थे। अंगद साहब का मतलब नानक साहब ने कहा ये मेरा अंग है, अंगद का मतलब अंग, मेरे शरीर का अंग है ये, जो मेरी हर बात को मानता है, जो मैं कहता हूँ वही करता है, तो मेरे शरीर का अंग हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इनका नाम अंगदेव जी पड़ा। उनसे कहने लगे लैणा जी, बोला जी हाँ जी। कहते ही नदी में छलांग लगा दी, देखते ही देखते ही उस मुर्दे के पास पहुंच गया। कहाँ मुर्दा था उसको देखा, बोले अरे इसको उगाड़ के देख। कपड़ा था सफ़ेद कपड़े को हटा के देखा तो उसके बीच में लकड़ी का लट्ठा था, एक गड्ढा सा बना रखा, वो हलवे से भरा हुआ था। बोला कि खा ले इसको। नानक साहब कहने लगे, खाने लग गया। जब खाने लग गया लोग बोले मुर्दे को खा रहा है, ये कैसा गुरु हो गया, बोलो शिष्य को, बेचारे इसको मुर्दा भी खोना शुरू कर दिया।
जब बोला अरे अकेला मत खाना, ये भी खड़े हैं इनको भी देना। बोला वाह हम नहीं खाएंगे, क्यों खाम हम, इसको कहता है खाने दे। बोला कि कुछ लेके आइए। अरे वो था क्या वास्तव में, संतों की रची लीला थी या कोई यूं कहो कि उसे मौके पर कोई बात ऐसी होगी कि किसी ने कोई टूणा किया था, एक लकड़ी में किसी ने बताया होगा कि भाई इस तरह से हलवा बना के उसमें डाल कर पानी में बहा देना। बड़े लटोटरबाजी करवाने वाले करवा देते हैं कुछ के कुछ। लेना जी उसको खाते हुए आए, किनारे लेके आए तो देखा तो उसमें हलवा था, सारे नीची गर्दन करके और देखने लगे कि बड़ी गलत हो गया हमारे से। तो जब नानक साहब ने कहा था महात्मा जी देख लिया ये सभी नहीं कोई कोई हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं, उन कोई कोई में हम भी हो सकते हैं, हम और को क्यों ये मौका दें कि कोई और होगा, वो हम ही क्यों ना बनने की कोशिश करें। जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के वचन को मानते हैं, जो गुरु के रमज को समझ जाते हैं, ये दुनियादारी की बातों को तो पहले मानते हो, गुरु की बातों को आप मिथ्या और झूठी समझ लेते हो। और ये दुनियादारी में पढ़ के तो अपना दीन और धर्म इंसान सब कुछ गवा देता है। दीन गवाया दुनी से, दुनी ने चाली साथ, पांव को लड़ा मारी यार गाफिल अपने हाथ। ये दुनिया किसी के साथ नहीं चलती, ये तो इंसान की घोड़ी डुबवा के हंसती है, ताड़ी पीटती है। इनके लिए तो घोड़ा पड़ जाए तो एक मजाक और सवार पड़ जाए तो दो मजाक। इनकी बातों में जहां जहां पढ़ोगे ये आदमी को बहका देंगे कि दुनियादारी की तो ऐसी बातें हैं कि आदमी को हौसला देने की बजाय उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन संतों के पास जाओगे, उनके द्वारे पर जाओगे, उनके पास तो हमेशा ही आपके नकारात्मक विचारों को निकाल के आपको शक्ति देने वाले वचन सुनाएंगे, जिसके कारण आपकी जो अच्छे विचार हैं वो तो दृढ़ होते चले जाएंगे और आपकी कमजोरियाँ, एक आदमी को अगर आप रोजाना कहोगे तू बीमार है तो बीमार है, ना बीमार होगा तो भी बीमार हो जाएगा। एक आदमी को कहोगे नहीं आपको कुछ नहीं है, आप तो हष्ट पुष्ट हो, बड़े अच्छे हो। अब जैसे सत्संगी मुझे कह देते हैं कई बार, मैं कहता हूँ ले भाई अब तो बूढ़ा हो गया, नहीं बोले आप तो जवानों से भी अच्छे हो। माँ देखो मेरा मुझे पता है ये देखने से कहते हैं, लेकिन कभी भी किसी को हीन भावना, छोटे विचार, दुर्बल विचार ना दीजिए। चाहे वो बीमार है तो उसको कहना कि नहीं आप निरोग हो, आप स्वस्थ हो, आप अच्छे हो, अच्छा हो जाएगा। आदमी के कहने से विचारों को शक्ति मिलती है, शक्ति हमेशा हमारे मन में होती है। जिसके विचार बलवान होते हैं वो हर चीज को विजय कर लेता है। भक्ति का भी यही है, भक्ति में जब तुम लगोगे, कई शिकायत करते हो जी नाम का स्मरण नहीं होता, मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाता, ये मेरा मन विचलित हो जाता है, मुझे ये उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाते। सबको आते हैं, आपको ही नहीं सबको आते, हमें भी आते हैं। इतने लोगों से संपर्क है, कोई दुख दर्द की, कोई पीड़ा की, कोई बीमारी की, कोई कैसे कैसे लोगों से मिलना होता है, मुझे तो याद आती हैं इनकी बातें, याद आती हैं। जब किसी का दुख दर्द देखता हूँ, उनका रोना देखता हूँ, मेरे दिल में आती है ये बात। तो आप कैसे बचोगे, आपको जरूर आएंगी। जो हमारे साथ घटित विचार होते हैं, हालात होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उनको देखते हैं, जब एकांत में आप नाम के लिए एकाग्रचित होके प्रभु की भक्ति की ओर मन को लगाओगे तो वो घटनाएं आपके सामने एक एक करके आएंगी। लेकिन यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। उस टाइम पे गुरु को याद कीजिए कि गुरु ने क्या कही थी। गुरु क्या कहता है कि लगे रहो, टिके रहो, डामाडोल ना हो। जिस काम के लिए लगे हो ये समय हमारा उस चीज के लिए है। ऐसे उठने वाली जो विचार हैं, जो ख्यालात हैं, जो गुनावन हैं, इनको गुनावन कहते हैं, जो हमें भक्ति के अलावा दूसरे विचार जब आते हैं ऐसे में, उनको गुनावन कहते हैं। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाया करो उस टाइम पे, सब कुछ भूल जाया करो। मैं कहता हूँ जब तुम नाम के सुमरण के लिए और जब ध्यान करने के लिए बैठते हो तो लक्ष्य तुम्हारा एक ही होना चाहिए,
दूसरी चीज को फटकने भी ना दो, दरवाजे बंद कर दो बाहर के, अंदर के दरवाजे खोल के सिर्फ अपनी हिये में गुरु की मूर्ति में ध्यान जमा के नाम का सुमरण एकाग्र चित्त होके किया करो। वो दीपक, वो स्वयं प्रकाश और वो अंतर का तुम्हारा नूरी रूप, नूरी गुरु तुम्हारे अंदर में बैठा आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। वो बाहर नहीं है, अंदर में है। अंदर का जो बाहर का जो भटकाव है, ये तो सिर्फ हमें दुनियादारी की चीजों के लिए ही लेके जाएगा। ख्याल जब ऐसे आते हैं तो बार बार आएंगे, बार बार उनको छोड़ते चलो। इस प्रकार से दो चार पांच बार करोगे तो अपने आप ही मन हट जाएगा उन चीजों से, आदत बन जाएगी आपकी। करते करते आपके जब ख्याल पक्के हो जाएंगे, नाम का सुमरण हो जाएगा। अभी एक माई आई थी, वो कहने लगी, मैंने नाम तो बाबा जी से लिया था, बाबा जी बाबा चरण सिंह को कहती है वो व्यास से। बोला, नाम तो मैंने बाबा जी से लिया था और पहले मुझे दर्शन हुआ करते थे, अब नहीं होते। अब नहीं होते का दर्शन ना होने का मतलब क्या है? अपनी कमी को ढूंढिए। कि जब ऐसी कोई बात होती है तो यूं सोचा करो कि मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो गया, इसलिए मेरी इस चीज में कमी आई है। अरे हर चीज आगे बढ़ती है दुनिया में, पीछे कोई नहीं हटता। और जब कोई चीज पीछे हटती है तो समझो कोई ना कोई कमी आई है, तुम्हारी सोच में कमी आई है, तुम्हारे ख्यालात में कमी आई है, तुम्हारे विरह और प्यार में कमी आई है, या तुम्हारी श्रद्धा में कमी आई है, या तुम्हारी संगति में कमी आई है। ये चीज़ें भक्ति को बनाने वाली हैं। आदमी का खान पान एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नंबर दो, आदमी की बैठक सत्संगियों में होनी चाहिए, गुरु भक्तों में होनी चाहिए, जहाँ गुरु की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु का गुणगान हो, उन लोगों में बैठोगे तुम्हारे विचारों को शक्ति मिलेगी। भक्ति की बातें, दूसरी बात अगर करते हो संसारियों में जाओगे, वो अपने ही मन की बात करेंगे। व्यापारी व्यापार की बात करेगा, किसान खेती बाड़ी की बात करेगा, मजदूर अपनी मजदूरी की बात करेगा। तो गुरु भक्त जो होगा उसके पास तो प्रभु का गुणगान, उनकी भक्ति, संतों की वाणी, उनके वही विचार आएंगे। इसलिए गुरु भक्तों का संग करो, लेकिन विश्वास गुरु में दृढ़ रखो। स्वामी जी महाराज ने, गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। सेवा करो, पूजा करो, उन्हीं को गुरु नानक जान, वही कबीर, वही सतनामा, उन्हीं को तुम सब कुछ पहचान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तुम बेईमान। तुम्हारा काम किससे होगा? तुम्हारे गुरु से होगा। भटको मत, सब चीजों को भूल जाओ, प्रभु की भक्ति को कभी ना भूला करो। अपने विचारों में कभी कभी ना आने दो। जब कभी भी ऐसी बात होती है, अरे खाना टाइम पर तुम खाते हो, अच्छा नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा करते हो, टाइम पर नहीं मिलता, तुम कितना गंदा मंदा बोलते हो, लेकिन कभी प्रभु की भक्ति के लिए आप अपने मन को ऐसा परेशान करते हो कि आज क्यों तूने मुझे उस टाइम पे भक्ति नहीं करने, बहाने ढूंढते हो। कभी कहते हो आज सिर दर्द है, कभी कहते हो आज थका हुआ हूँ, कभी कहते हो आज बुखार है, कल को टाइम से बैठूंगा, परसों से बैठूंगा। आजकल के करते करते समय गुजर जाएगा। समय आपका इंतजार करने वाला नहीं है, समय को बर्बाद मत करो। तीन लोक का मोल है। कबीर साहब कहते, कहता हूँ कह जात हूँ कहे बजाऊं ढोल, स्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। ये तीन लोक का मोल है, ढोल बजा के कहने से क्या होगा? लेकिन ये यकीन कर लो, मैं कहता हूँ कह के जा रहा हूँ, ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। ये सांस, एक सांस तीन लोक का मोल है। नहीं हो तो देखो, जो बड़े बड़े धनाढ्य हुए, राजे महाराजे हुए, बड़े शक्तिशाली बलवान ताकतवर हुए, उन्होंने एक एक मिनट के लिए ही कही थी कि एक मिनट भी अगर जिंदा रह जाऊं, मेरी माँ से नहीं मिला, मेरे भाई से नहीं मिला, मेरे पुत्र से नहीं मिला, उनको मेरा मैं हिसाब बता दूं, उनसे किसी को लेना है वो समझा दूं। लेकिन उनको एक सेकेंड नहीं मिली, एक सेकेंड नहीं मिली। काल का बुलावा जब आता है वो इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि समय की पंख लगी हुई है, वो उड़ता जा रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसीलिए उसका तीन लोक का मोल कहा है। ये जीवन रहते हुए मन से वचन से और कर्म से पवित्र और सच्चे होके अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे, बना लेंगे, तो हमने सब कुछ पा लिया है। और दुनियादारी की चीज में कभी कोई सोचता हो मुझे छोटा सा ओहदा मिल गया, कोई ऊंचा पद मिल गया, थोड़ा बहुत आपको धन मिल गया, चार लोग आपको सलाम कर देंगे, कुछ नहीं है। पंडित राजे भूपति आवे कोने काम, कबीर तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम। उनसे प्रीत करो जिनका ठाकुर राम है। पंडित राजे भूपति राव कोने काम, वो क्या काम आएंगे तुम्हारे? गुरु आएगा तुम्हारे काम। गुरु तुम्हारे बाहर से भी रक्षक है, अंदर से भी रक्षक है, और उस दरबार में भी गुरु की पहुंच है, वहां भी वकालत तुम्हारी वही करेंगे। अगर गलती से कोई बात हो भी गई तो गुरु तुम्हें वहां भी हाजिर नाजिर होके तुम्हारे कर्मों का सारा लेखा कटवा देंगे, मिटवा देंगे, और जीव का हित और कल्याण कर देंगे। ये गलती कभी भी ना करो। नाम लिया है ना, नाम कैसे ही ढूंढी ना पिटा करो, मैंने नाम ले लिया, गुरु नामों ले लियो। मैंने गुरु नामों कहाँ ले लियो, गुरु नामों जपते थे किसी सेकंड के लिए भी नहीं, भूल से भी सुमन नहीं करते, गुमा देते हो सारा टाइम। घर वाले तुम्हारे काबू के ही नहीं है, तुम्हारी संतान भी तुम्हारा कहना नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? तुम्हारे अंदर कमी है। अगर तुम सच्चे होते, तुम अच्छे होते, तो तुम्हें देख के अच्छे बनते वो। लेकिन ये क्या बात कि तुम कहते हो मेरा बच्चा खराब हो गया? तुम तो अच्छे थे, तुम सत्संगी थे, तुम गुरु के शिष्य थे, तुमने नाम ले रखा था, तुम्हारी करनी तो अच्छी और सच्ची थी, तुम्हारा संग करके वो बुरे कैसे हुए? इसका मतलब कमी हम में है। औरों को कहां सुधारने चलेंगे, अपने घर को सुधार लीजिए ना। अपने बच्चों की निरख परख करते हो, तुम्हारा बच्चा क्या करता है, कहां जाता है, किसके पास बैठता है? आजादी दे के बच्चों को तुमने उनको ढीला छोड़ दिया कि कुछ भी करे। वो बच्चे की नादान बुद्धि होती है, उनकी कमी नहीं है, उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाने के कारण ये हालत होती है। और जब हालात हाथ से निकल जाते हैं फिर पछताने से कुछ होता नहीं है, फिर नहीं समझते, बिगड़ा हुआ काम नहीं संवरता, और संवर भी जाता है तो वैसा नहीं बनता जैसे रहीम जी ने कही है। रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम कर मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर मिले नहीं मिले गांठ पड़ जाए। मिल जाएगा तो भी उसमें गांठ पड़ जाएगी। जिनके माँ बाप नेक हैं, अच्छी करनी करने वाले हैं, अगर वो नाम भक्ति करते हैं तो उनकी संतान भी अच्छी होगी, अवश्य अच्छी होगी। उनको सिखाने की, बताने की, कहने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ तो कई बार तो हालात में इसके उल्टे देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं, जी हमारा पिताजी शराब पीता है, हमें आने नहीं देता। कैसे आने देगा? हमारा रास्ता प्रभु की ओर जाता है, उनका रास्ता राक्षसों की ओर जाता है, उनका रास्ता नरकों की ओर उनको लेके जा रहा है, वो कैसे आएंगे हमारी ओर? ये माताएं बहन कई बार शिकायत करते हैं कि जी दया कर दो, वो हमारा घर वाला भी आना शुरू कर दे, वो हमें भी नहीं आने देता। क्यों आने देगा? वो इसलिए नहीं आने देता क्योंकि वो जिस रास्ते पे चलता है, अगर तुम्हें आने देगा तो तुम उसको कहोगे कि ये गलत रास्ता है, तुम भी चलो, वो आना ही नहीं चाहता। अरे भक्ति करना सिर्फ माताओं का काम है क्या? हमारा भी है, जीव तो एक ही है, चाहे वो स्त्री जाति में है चाहे वो इंसान में है, जीव में कोई भेद नहीं है। प्रभु की भक्ति करने का भी अधिकार बराबर है, लेकिन इंसान नहीं करते। इसमें कभी भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, सारे काम करो। संतों ने ये रास्ता खोला कि दुनियादारी में घर गृहस्थी में आप आए हो, अपने धर्म का पालन करो, बच्चों का लालन पालन करो, उनको अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दो, तुम्हारी जिम्मेवारी उन जिम्मेवारियों को निभाओ। और वो सारे काम करते हुए सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है
कि अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाने के लिए प्रभु की भक्ति करें। वो काम तो करते रहें, अगर प्रभु की भक्ति करते हो तो दुनियादारी के काम भी आप ईमानदारी से करोगे, सच्चाई से करोगे, प्रेम से करोगे, आपके दिल में दया भी होगी, सहानुभूति भी होगी, बूढ़े बुजुर्ग के प्रति इज्जत कदर भी होगी, जबान में मिठास होगा, दूसरे को सम्मान दोगे, तुम्हें सम्मान मिलेगा। क्योंकि ये अच्छे गुण तभी आप में आएंगे जब बुराइयां छूट जाएंगी। बुराइयां इंसान को लेकर डूबती हैं। अगर वो अच्छे काम ना करो, मैं नहीं कहता ना करो, मैं कहता हूं भक्ति भी तुम ना करो लेकिन बुराई ना करो। शास्त्र कहते हैं, मैं भी क्या कहता हूं, शास्त्र कहते हैं, रे मन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाके नहीं तो विष फल खाए खा। अमृत फल को अगर नहीं सकते हो तो विष फल भी क्यों खाते हो? अगर भला नहीं कर सकते तो बुरे ना, तो बुरा ना करो किसी का। भला ना करो तो ना करो लेकिन बुरा ना करो किसी का। किसी का बुरा करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर बुराई तुमने कर दी है तो तुमने समझो कि तुम्हारे हृदय में तुमने पाप कर्म का बीज बो दिया है, वो तुम्हें सोते उठते बैठते जागते वो सुमरण कराएगा। अच्छा सुमरण नहीं हो सकता। जिन भक्तों की वृत्ति लगी है प्रभु में, गुरु में, नाम में, वो तो सोते उठते बैठते जागते जब भी उनको नींद आएगी, जब भी ख्याल आएगा, जब भी कोई बात और जिक्र चलेगा तो उसको भक्ति के सिवाय, प्रेम के सिवाय दूसरी बातें याद नहीं आएंगी। उनके दिल में दया भाव होगा, जब भी किसी दुखी जीव को देखेंगे उनकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ेंगे वो। ये भक्ति के चिन्ह हैं कि इंसान के दिल में दया हो, प्रेम हो। इसलिए भक्ति को सर्वोच्च माना गया है। जिसकी भक्ति करने से तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तुम्हारा जीवन सफल होता है, तुम्हें शांति मिलती है, तुम्हारे परिवार के जितने सदस्य हैं तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण। देखो दुनिया में तुम अपना काम संवारते हो, अच्छा तुम्हारा होता है, दुनियादारी के लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, काम तुम्हारे सुधरते हैं वो तुम्हें अच्छा कहते हैं, काम तुम्हारा बिगाड़ते हो तो लोग गालियां तुम्हें देते हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ो ना बिगाड़ो, अगर कोई किसी का नहीं बिगाड़ता, घर अपना बर्बाद करता है, पैसे बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है, लड़ाई झगड़े मुकदमे करता है, सब सारे परिवार की शांति, आसपास के पड़ोस की, समाज की, जब इस तरह वाली बातों में पड़ के कोई उनकी शांति भंग कर देता है, लोग उसको गालियां देते हैं। बर्बादी कर ली उसने अपनी, लोग गालियां देते हैं, आगे नहीं पीठ पीछे देते हैं, दुनिया का पाप उठता है वो सबका। इसलिए किसी के दिल में जगह बनाने के लिए उनको इज्जत दो, प्यार दो, आदर दो, सत्कार करो उनका। बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको मान सम्मान दो, प्यार से बोलोगे, उनके दिल से निकली हुई अच्छी दुआ और आशीर्वाद तुम्हें मालोमाल कर देगा। भक्ति में चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लेना, कितने भी मेहनत कर लेना, पीछे के इतिहास उठा के देख लेना कि सिद्ध पुरुष भी जो हुए, तप करने वाले अकेले जाके बैठ के अपनी अपना कल्याण कर सके, दूसरे का कल्याण नहीं कर सके। एक नेक इंसान अगर पैदा हो जाता है वो लाखों जीवों को त्यार देता है। इसीलिए संतों ने कही, सिद्ध तारे तन अपना, साधु तारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मंड। सिद्ध अपने ही तन को त्यार सकता है। तप करने वाला जंगल में गया, एक अकेला है बैठा, उसने किया। अरे मैं कहता हूं सत्संग की महिमा, सत्संग में तो तुम जो बात ग्रंथों में 6 महीने में नहीं पढ़ सकते, नहीं सुन सकते, नहीं अपना सकते, नहीं जान सकते, वो आधा घंटा के सत्संग में आपको बड़ी से बड़ी बातें मिल जाएंगी, जो तुम्हारे आचार विचार को सुधार देंगे, जीवन को बदल के रख देंगे, तुम्हारी बुराइयों को निकाल देंगे। तुम्हें अपने आप में भी अगर बुराइयां हैं तो तुम्हें आत्मग्लानी हो जाएगी कि ये दुष्ट कर्म मैं करता हूं। अगर तो सही रास्ते पे हो तो तुम्हें वो ताकत मिल जाएगी और भी ज़्यादा अच्छे करने की प्रेरणा होगी। और जो इंसान इस प्रकार से अच्छा करने की प्रेरणा ले लेता है वो नित्य प्रति वो दुनियादारी की परवाह नहीं करता, दुनियादारी की परवाह नहीं करता। दुनियादारी के लोग तो अच्छे को भी अच्छा कभी नहीं कह सकते,
वो तो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन के ऐसा कर देंगे कि आगे नहीं निकलने। किसके साथ नहीं किया? सबके साथ। जो बड़े बड़े संत हुए हैं उनके साथ दुनियादारों ने जो किया है उनको अगर सुन लोगे की घटना तो कहोगे कि कहाँ की संताई हुई, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाएगा कि अगर वो इतने ऊंचे संत थे तो उनके साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। कितने कितनी बात हुई लेकिन भक्तों का यकीन और विश्वास उस प्रभु में था, उन्हें उन्हें जो दुनियादारों ने कहा वही कर दिया। पलटू साहब की थी, तौते तेल के कढ़ाई में से निकाल दिया। ये भी इलाहाबाद के आसपास के गांव के रहने वाले थे। पीपा को लगन लगी प्रभु के मिलने की, जल में कूद गया। लोगों ने कहा कि समुद्र में कूद जा, यहां मिलेंगे तुझे कृष्ण जी। फरीद को कहने लगे तू अपने पैर बांध के उल्टा लटक जा, मान लिया, दुनियादारों की बात मान ली। लगन थी, मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे भक्ति करनी है, लेकिन दुनियादारों ने कही वो भी उन्होंने सच्ची मान के उसकी प्राप्ति के लिए जब उस रास्ते पे चल पड़ा तो प्रभु ने खुद आके संभाल करी, दर्शन कर। नामदेव जी की रोटियां कुत्ता उठा के चल दिया। नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागते कि प्रभु सूखी रोटी लेके कहाँ जा रहे हो, चुपड़वा के लेके जाओ। कुत्ते में परमात्मा मान लिया कि ये ऐसे नहीं कोई कि परमात्मा है इसमें भी, वही लेके जा रहा है। परमात्मा ने प्रकट होके कही अरे नामदेव क्या करूं तेरा, तू मुझे कुत्ते में भी मुझे देखता है। जब इंसान के भाव सच्चे हो जाते हैं तो वो हर चीज में उसका जहूर देखता है, वो बुराई नहीं अच्छाई देखता है। ये बुराई का चश्मा जिस इंसान की आंखों पर चढ़ जाता है वो अच्छाई नहीं ढूंढ सकता किसी की। इसलिए किसी के दोष ना देखा करो, गुण देखा करो। गुण देखोगे तुम्हारे अंदर गुण आएंगे, ओगुण देखोगे तुम ओगुण गारे बन जाओगे। ओगुणों से बचना चाहिए, ओगुण दुर्गुण आदमी को दुर्गति की ओर लेके जाते हैं, सगुण आदमी को सदगति की ओर लेके जाते हैं। सगुण अगर आ जाए भक्ति में, नाम में है क्या, नाम चीज क्या है? नाम इंसान के हृदय को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जल में खूबी क्या है? शुद्धता की। जल के नहाने से तुम्हारा मल उतर जाता है, कपड़े साफ हो जाते हैं, कोई भी किसी प्रकार का दाग धब्बा जल से साफ होता है। उसी प्रकार से नाम में भी वही शक्ति है। नाम तुम्हारे हृदय के पापों को धोती है, उस पर लगे हुए दाग धब्बे खोटे कर्मों के जो भी पड़े हुए हैं भरम, उनको निकालता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है तो प्रभु का वास वहीं पे होता है। इसीलिए वो मस्ती में मस्ती होते हैं, ना दुख में दुखी होते, ना सुख में सुखी होते। और प्रभु की लीला लेकिन यकीन पे होगी वैसे नहीं। इसीलिए तो कही वो पीपा जल में कूद गया जिनकिनी भूत डिठाई। पीपा जल में कूद गया और कुवे बीच फरीद ने एक मीठी बोली भाषा, तुम कागा चुन चुन खा लियो मेरे हड्डा पर का मासा, दो नेत्र मतना फोड़ियो मन हरी मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर है जो होया आश्रय हर के, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। चोट कलेजे में जिसको लग जाती है, कैसी चोट? फरीद को लग गई, कुएं के अंदर उल्टा लटका हुआ है, काग ठूंगे मारते हैं उसके पैरों पे, मरा हुआ समझ के मांस खाते हैं। बोले अरे कागो शरीर को वैसे खा लो, आंख ना फोड़ देना मेरी, आंखों में आस है मुझे, बता रखा है कि मुझे प्रभु के दर्शन होंगे, परवाह नहीं है शरीर जाए तो जाए। शम्स तबरेज की खाल उतार ली गई। पांचवें गुरु अर्जन साहब को ताते तवे पर बैठा दिया, लेकिन उनके शिष्य ने कहने लगे अगर कहो तो मैं इनको सबको इसके राज को तहस नहस कर दूं। बोला नहीं, हम प्रभु के रास्ते में दखल नहीं देंगे, जो मालिक की मर्जी है उसकी रजा है वो होने दीजिए। इसलिए प्रभु की रजा में राजी रह के काम करो।
उनकी रजा उनके नियम को अगर तोड़ोगे कष्ट बहुत होगा। वो किसी को रोकता मना नहीं करता, लेकिन हिसाब सबको देना पड़ता है। अगर लेखा जोखा नहीं देना पड़ता तो इस दुनिया में कैसे कैसे कहीं खुखार जानवर रहते हैं, कहीं कैसे कैसे गरीब बेचारे छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। यहाँ मच्छर भी रहता है, यहाँ हाथी भी रहता है, यहाँ शेर भी रहते हैं और यहाँ गिद्धड़ हिरण भी पड़ते हैं, यहाँ इंसान भी रहते हैं और इंसान सबको अपने काबू में भी करता है, लेकिन उसका नियम नहीं बदलता। जीवा जीव ऐसे भोजन, कितने लोग ऐसे हैं कि समुद्री जीवों पर आहार करते हैं, कितने दूसरे जीवों को मार के पेट भरते हैं, लेकिन वो मालिक की जो लीला है, उनका रचा हुआ जो है, उसकी रजा में रहो। तो संतों ने तो सीधी बात कही कि अगर वो राज दिलाई तो मेरी कौन बढ़ाई, अगर भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाए। वो मालिक की रजा में रहने वाला सोचता है कि अगर उसे मुझे भूखा ही मारना है तो मार देगा, पर परवाह नहीं है। अगर मुझे राज गद्दी देता है तो उसकी मर्जी दे देगा, मुझे इस बात की भी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे भूखा क्यों रखा, मुझे ये भी चाव नहीं है कि मुझे राजा क्यों बना दिया। इसलिए संभाव जो रखता है, लेकिन अपना काम सच्चे दिल से और सच्चे सुरखरू होके पक्का होके जो मालिक के हुक्म के अनुसार चलता है। नानक साहब कहते हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, जो हुक्म और उसकी रजा में चलता है वो मालिक के नियम को मानता है, उसको कभी कोई दुख कोई टोटा कोई बीमारी कोई रोग कोई तकलीफ कोई हानि नहीं हो सकती। अगर होती है तो होने दीजिए, अगर होती है तो होने दीजिए, तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारे बस का है क्या? एका देने किसी ने रोक के दिखाया क्या? जो उसने कर दिया उसको मोड़ के दिखाया किसी ने? है कोई ऐसा? जब नहीं रोक पाए तो तुम्हें अधिकार क्या है कि उसके कामों में दखल दो? अगर रोक सकते हो तो फिर दखल दे के दिखाओ, फिर तो मान जाएंगे करो दखल। वो किसी को बादशाह बनाना चाहता है तो बनने दीजिए, खुशी मनाओ, तुम नहीं रोक पाओगे। अगर वो किसी को मिट्टी में मिलाना चाहता है तुम नहीं बचा पाओगे, वो करोड़ों हाथों वाला है, उसके समान शक्ति वाला कोई नहीं है, उससे तुम छीन नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ होता तो कोई किसी को जाने नहीं देता। ये तो दुनिया का ऐसा मेला है जो एक आता है एक जाता है, पैदा होते हैं खुशी मनाते हैं, बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, आवागमन लाग रहा जो कीड़ी का नाल, यानी कीड़ी का नाल लगा हुआ है, एक आता है एक जाता है। अगर बस का हमारे होता तो किसी को नहीं जाने देते, दुनिया में कोई ना उठता है नहीं खत्म, पता नहीं कितने होके कितने चले गए, मुसाफिर खाना है ये। लेकिन एक इंसान यहाँ से बाजी जीत के जाता है, एक हार के जाता है, एक हंसता हुआ जाता है, एक चिल्लाता हुआ जाता है, एक लोहे की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जाता है, एक सोने चांदी के मुकुट और हार पहन के जाता है, एक को सजाएं मिलती हैं, एक के लिए वाहवाही के झंडे गढ़ते हैं। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको यहाँ कष्ट जरूर होता है, लेकिन मालिक की दरगाह में उसको बड़ा इज्जत और मान मिलता है। जो यहाँ दुख और कष्ट उठा लेते हैं उनको वहाँ दुख नहीं होता, और जो यहाँ आनंद उठाना चाहते हैं, यहाँ कुछ दिन की खुशी के लिए जो उल्टे सीधे कर्म करके खुशी लेना चाहते हैं, उनको तो नरकों का वास भोगना पड़ता है। तो उनसे बचने का एक ही इलाज है, और वो इलाज है प्रभु की भक्ति, नाम भक्ति। जो संत तुम्हें सहज में देते हैं, बता देते हैं कि आप ऐसा करिए, और इसके करने से आपके पिछले पातक बुरे कर्म पाप कर्म खोटे कर्म जितना तुम्हारा पाप का बोझ है, पाप की गठड़ी यही उतर जाएगी, और नेक कर्म जो करोगे तुम्हारे पल्ले, वो तुम्हारी नाम की पूंजी होगी, वो तुम्हें पार तार देगी, वो तुम्हारा प्रभु के पास पहुंचने का वीजा बन जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो काल माया और यम तीन चौकी ऐसी है, जीव को परख लें रास्ते में, टिटोड़ लेते आ जा कौन है तुम। काल माया और यम नहीं निकलने देती, तीन चौकी ऐसी लगी हुई है। और जो संतों का जीव है और संतों की आज्ञा मान के जिन्होंने नाम भक्ति की है, उसको तो मोर और छाप लग जाती है, उनकी हिम्मत नहीं, बोल भी नहीं सकते वो। वो संतों के जीव को बोल भी नहीं सकते, उनका कोई दावा नहीं है इस चीज़ पे।
उनके दरवाजे खुल जाते हैं। संत आते इसीलिए हैं कि इन जीवों को सहज में दोनों काम करते हैं, दोनों कुण से उनकी दुनियादारी भी सुखी, घर गृहस्थी भी सुखी, और यहाँ से जब जाते तो आगे के द्वार भी खुले। इसलिए भाई सारे कामों को छोड़ के का मतलब भूल के करते रहो सारे काम, कभी जाके सब छोड़ दो कि नहीं आज के बाद कुछ नहीं करना, सब कुछ करना है, बिना किए तो रोटी भी नहीं मिलती। पहले रोटी का इंतज़ाम करो, फिर जिम्मेवारी तुम्हारी परिवार की है, उनका भरण पोषण करो, फिर उनको अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा दो, तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, नहीं तो तुम कर्जदार बन जाओगे उसके। और ऐसा करते करते जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे शरीर से किए गए काम उनको दे दो कोई बात नहीं, तुम्हारा कमाया हुआ धन है उनको दे दो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मन उनको ना दो। मन किसी को दे दोगे बड़ा तकलीफ उठती है कि नहीं। किसी को प्रेम करते हो और वो तुमसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या होता है, फिर क्या होता है? प्रेमी होगा तो उसका तो सब कुछ खो जाता है। स्वामी जी महाराज ने तो लंबी तहरीर लिखी है, वो कहते हैं प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बलबल जात, वचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुत सोत्री बात, उठत बैठत सोवत जागत खावत पीत बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी वो गुरुमुख परमार्थ पात, जब लग ऐसी लगन नहीं है तब लग हिरसी जानो जात। ऐसी लगन जिसकी नहीं है ना वो हिरसी है, देखा देखी वाला, और जिसकी सच्ची लगन है तो उसका तो गुरु शिष्य का नाता ऐसा, जिस तरह माँ ने बच्चा रोटी ने भी ओटी बोलेगा, पानी ने माणी बोलेगा, फिर भी माँ खुश होगी, सही नहीं बोलता ना वो तोतरी बात, मतलब तोतड़ा बोलता है माँ को बहुत अच्छा लगता है। तो शिष्य भी गुरु के साथ में ऐसा ही होता है, उसका पुत्र के समान होता है। जब तो कहता है कि गुरु को सोवत बैठत उठत बैठत खावत पीत बिसर नहीं जात, भूल मत जाना, सच्चे बन के अच्छे नेक काम करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, वचन उनको मीठे बोलो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, कपट ना करो, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। किसी को तकलीफ और दुख दोगे तुम्हें बहुत दुख होगा, किसी को दुख ना दो, प्यार दो अगर तुम्हारे पास है तो। प्यार का मुकाबला नहीं है, प्यार के समान दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो तुम प्यार का सौदा करोगे कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने प्रेम की बात बताई, प्रेमा भक्ति यही है, जो प्रेम करेगा भक्ति भी आसानी से कर लेगा। नाम को कभी ना भूला करो दोनों टाइम नहीं किया है तो शुरू कर लेना आज से, संकल्प ले लो गणेश चतुर्थी के दिन से कि गणेश जी हमें शक्ति देना, तुम्हारा यही व्रत और यही पूजा यही उनसे आशीर्वाद ले लो। समझ गए? नहीं, गणेश जी नाराज हो जाते हैं। एक बार कुबेर जी याद आ गई, मैं कुबेर जी ने निमंत्रण दिया शंकर भगवान को, जाके कहने लगे, कुबेर का खजाना कहते हैं बड़ा धनवान कुबेर, वो अपना धन दौलत दिखाना चाहता था अहंकार के बस, और सबसे पहले बोला कि सब देवताओं को भोजन जिमाऊंगा, मेरी दौलत दिखाऊंगा, धन दौलत ऐश आराम दिखाऊंगा, और उनको देवताओं को भी सबको पता लग जाएगा कुबेर है। तो गए शंकर जी के पास, बोला शंकर जी आपको मैं निमंत्रण देने के लिए आया हूँ भोजन के लिए। शंकर जी समझ गए, भोला तो जरूर कहे हैं लेकिन सब चीजें समझे हैं, वो भोला जरूर कहे हैं, भोले भोले कहो सुनो तुम भी, भोले शंकर भोले भोला तो नहीं, उसे तावड़ा मान जाए बेचारा, कोई भड़ो ले ले उसे मान जाए। जाके रे कहने लगे जी निमंत्रण से, बोलिया भाई मैं तो चाल कुछ सकूँ, उन्हें पता लग गया कि वो दौलत का अभिमान में दिखाना चाहो उसे, बोले गणेश जी ने ले जा, ये गणेश जी के बारे में दम्ब्या का कार्ड भी लिखो न, वक्र तुंड गढ़े बुरगे पेटाला, यो ये मतलब होंदा होगा कि भाई वक्र तुंड गढ़े बुरगे पेटाला ने दे दिया नहीं उन्दा, छोटा मोटा पेट को नहीं। बोलिया जी ठीक है, ले गया गणेश जी का हाथ पकड़ के, गणेश जी आप चल लो, ले शंकर जी तो नहीं चल सके। बोले चल भाई, बड़ा माल बना रखा। गणेश जी ला गया
खेचन, सारा खा लिया, बोले लिया खीर, लिया हलवा, लिया पूड़ी, लिया पकौड़े, लिया सारा खा लिया। वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़े हो गया, पहली तो अपनी दौलत दिखाई, बोले ये देखो ये खजाने भरे, ये सोना, ये हीरे जवर। ने बोला ठीक, मेरा खाना खातर आया, सुमे निमंत्रण दिया था खाने का, ये देख लिया तेरा खान ला गया, सब के में चट कर दिया। उसने सोचिया अच्छी करी, बोले अरे लिया खीर ख्यार की भी, बोले जी खत्म हो गया सारा। बोले कि फल फ्रूट और धरे हूँ, केड़े सेब अंगूर बैठा लिया, वह लिया वह भी खा पी के ना चल दिया। ये सवारी के गणेश जी की, चूहे की, ये माल खान गया घना चूहा बेचारा बोदा, चूहे पे बैठ के बोले भाज भाई चूहा चूहा कड़े भाग गए। वो थोड़ी दूर तो चूहा चल यार कर उसके डिग गए पाँव दैड पड़िया, गणेश जी एक ओढ़ना पड़िया, चूहा एक ओढ़ना पड़िया। गणेश जी ने पड़ोड़ा आदमी चारों तरफ देखा, अरे कोई देखा तो नहीं था। गणेश जी ने चौकर दे देखा, कोई दिखाई कौन दिया। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो हंसी आई जोर से, देखा भाई हंसा कौन, देखा तो चंद्रमा हंसन लग रहा है। गुस्से में भर गया गणेश जी, ने बोला बेवकूफ तू हंसता है, ने बोला तने तेरी सुंदरता पर बहम से ने जा तने शराब दे दिया, तू आज तेन काला होंदा चला जाएगा। चंद्रमा ने सुन दी और बोलिया गया तेरा ईमान तेरा गलती होगी, माफ कर दो गणेश जी माफ कर दो। बोला नहीं कोई माफ मूफ नहीं, बोला ना जी माफ कर दो। बोला जा एक दिन तो ऐसा होगा कि निखाले से काला रहेगा, तो इसलिए माओ सारे दिन से अंधेर रहे ना पूरा अंधेर रहे पूरा। बोला उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो जो है ठीक होता चला जाएगा, इसलिए एक ने किमी, दूसरे किमी, तीसरे किमी, धीरे धीरे करके नचानना होता चला जैसे। बोला जा एक दिन फुल चंद्रमा होगा तो तने तेरा भी जड़े मेरा काम होगा, तेरी भी पूजा हो जाएगी। तो यो श्राद्ध दे दिया। तो गणेश जी आज के दिन बोले कि जो कोई चौथ का व्रत करेगा उसने सारी चीज रिद्धि सिद्धि शक्ति व्यक्ति धन दौलत लक्ष्मी सब किमी मिलेगा। मालिक आपको सबको सद्बुद्धि दे, भक्ति करने की शक्ति ताकत दे, रोजाना एक नियम से पक्का मन में कि गणेश चतुर्थी ने प्रण कराया था भाई आज से मैं भूल नहीं करूंगा, चाहे 5 मिनट के लिए बैठा करो, एक एक पैसा जोड़ने वाला धनवान बन जाता है, एक एक अक्षर सीखने वाला विद्वान बन जाता है, एक एक ईंट लगाने वाला महल बना लेता है। तुम एक एक मिनट भी अगर बैठोगे तुम्हारा घना वज्र इकट्ठा हो जाएगा। राधा।